और जब पेपर आता है तो वही पेपर उठ के क्वेश्चन में आ जाते हैं और वहां हमें रिग्रेट होता है कि अगर हमने ये एनसीईआरटी के सोल्यूशन एक बार लिख कर या समझ कर देख लिए होते तो आज हमें पेपर में ये क्वेश्चन आते होते कुछ बच्चे तो फिगर आउट भी नहीं कर पाते कि ये एनसीईआरटी से आया हुआ है क्योंकि उन्होंने उसको ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं होता सो प्रेजेंटिंग हियर विद मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगी थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस करके सब पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ताकि आप लोग कन्वीनिएंटली वॉच कर सके ठीक है जी चलिए क्लास नाइन्थ के पहले चैप्टर जिसका ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, वी आर डिस्कसिंग टुडे दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेट्स बिगिन पहली चीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मैटर ठीक है ये पहला इन क्वेश्चन है अब अगर हम अपनी बुक में पढ़े तो वहां लिखा हुआ है मैटर इज एनी थिंग विच हैज मास एंड दैट स्पेस जिनका मास है और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ठीक है जी सो so, चेयर बिल्कुल मास है एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है लव इज अ फीलिंग उसको हम ना देख सकते हैं

स्मेलूम ट्रैवल फ्रॉम टूर सो वो एक, एक जगह से ट्रेवल करके आ रही होगी ना सो दिख इजन दिए अंडरलाइन करी है दे विल फॉल अंडर दैटेगरी ऑफ मैटर तो जब आप आंसर लिख के आएंगे आप इन्ही को मैंशन कर दीजिएगा तो आपकी चीजें करेक्ट हो जाएगी ठीक है यू कैन रीड आउट दिवन Smell is considered as matter due to the presence of some volatile substances in the air, which travel, karte hai, which have space, theke? and they have a little mass as well. Then, give reasons for the following observation The smell of hot, sizzling food reaches to you even several meters away. Theke? But to get the smell of cold food, you have to go close. Because when you try to smell the food, ऑफ अ हॉट फूड हॉट में क्या है हीट दी हुई है हीट मतलब टेम्परेचर ज्यादा है हमने मैटर में पढ़ा था टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वो फटाफट मूव करते हैं वेर एज कोल्ड फूड का टेम्परेचर कम है काइनेटिक एनर्जी लो है पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं कर रहे है. तो वो खुशबू हमारे तक नहीं पहुंचती है ठंडे खाने की

तेजी से चलते हैं एंड द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच इज इवन एट अ लार्जेस्ट डिस्टेंस वाइज द सेम नॉट हैपन विद द कोल्ड फूड एज द टेम्परेचर इज लेस एंड कनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो लेस ठीक है जी सो so, लिखने का पैटर्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आप लोग सब ध्यान दीजिएगा एबल टू कट थ्रू वॉटर इन स्विमिंग पूल तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहां हमें दिखती है अगर हम बात करें तो वो किस पे कट कर रहा है Water पे। Water is a liquid state of matter. Liquid में लिटिल स्पेसिस है तो डाइवर उसको कट कर पा रहा है इजीली लेकिन सेम चीज वो सॉलिड चीज में नहीं कर पाता ठीक है

यही लाइंस आपको करनी करनी है है। so इसी की वजह से वो easily dive कर पाता है। तो मेंशन करनी है, अपनी कहानियां मैटर में, okay? में आप थोड़ा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे जैसे कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस पार्टिकल्स के बीच में कितनी है कैसी है दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन कंटिन्यूसली चल रहे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल करते हैं ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स सभी मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है सो दीज आर दी सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर नेक्स्ट द मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को हम मास पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं

ज़्यादा ये solid, cotton भी solid, iron भी ठीक है है. जी? तो हम यहाँ पे लिख रहे air, exhaust from chimney. Then बीच में cotton आ रहा कैसे क्योंकि कॉटन के अंदर पानी भी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक है सो दैट इज वाई कॉटन को हम डेंसिटी के बीच में रख रहे हैं देन वॉटर हनी क्योंकि थोड़ा सा होता है है के बाद में ठीक को आप देखो आप अच्छे से उसे आराम से ब्रेक कर सकते हो बट आप चौक और आयरन को थोड़े एफर्ट्स लगा के ब्रेक करते हो ठीक है so, सो कॉटन इसीलिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे डेंसिटी के लेवल पे बीच में रखा जाता है ठीक है तो ये थे हमारे पहले पांच क्वेश्चन एनसीआर के सॉल्यूशंस के ये सभी मिक्स हैं विदेक्स एक्सरसाइज आई विल जस्ट कीप ऑन डिस्कसिंग एवरी फाइव क्वेश्चन इन ईच वीडियो सो दैट यू गेट अ क्विक गेट अप एंड यू गेट इट हाउ टू सॉल्व एन अटेम्प्टीज क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ठीक है